हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। अगर आप एक राइटर हैं और मैं आपसे पूछूं कि आपको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है कि आप कितने दिनों के अंदर अपनी स्क्रिप्ट को सेल कर पाएंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? सबसे पहले आप अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका जवाब क्या है। और इसी बात से जुड़ी मैं आपको एक इंसिडेंस बताने वाला हूं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एक राइटर हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए, हुआ क्या कि कुछ दिनों पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट किया, जो कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग कोर्स के लिए आप लोगों को देते हैं, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं मुंबई आया हुआ हूँ और आपसे मिलने के लिए मैं मुंबई आया हूँ। उन्होंने मतलब मेरे ऑफिस मेंबर्स थे, उनसे उन्होंने कहा कि वो मुंबई आए हैं मुझसे मिलने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मात्र 7 दिनों के लिए वो मुंबई आया है और 7 दिनों के अंदर वो अपने स्क्रिप्ट को सेल करके यहाँ से वापस चले जाएंगे। तो मेरे ऑफिस मेंबर जो जिन्होंने फ़ोन रिसीव किया उनके बहुत आश्चर्य हुआ। तो फिर उन्होंने उनकी बात मेरे से करवाई। ऐसे बहुत कम कॉल्स मैं अटेंड करता हूँ, लेकिन मैंने उनसे बात की क्योंकि ये थोड़ा अलग केस था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुंबई सबसे पहले इस कोविड की सिचुएशन में आप क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर मैं जाऊँगा और वहाँ जा करके अपनी स्क्रिप्ट को सेल करके 7 दिनों के अंदर वापस आ जाऊँगा। तो उन्होंने अपने आने का टिकट और रिटर्न टिकट दोनों करवा करके बुक करके वो रखे थे और वो 7 डेज के अंदर रिटर्न होने वाले थे। यानी उनके मुंबई अराइवल का समय और फिर रिटर्निंग के समय में 7 दिन का गैप था और उनका ये मानना था कि 7 दिनों के अंदर वो अपने स्क्रिप्ट को सेल करके चले जाएंगे। तो देखिए, ये तो था उनका कॉन्फिडेंस, लेकिन मैं इसे कहूंगा ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि 7 दिनों के अंदर मुंबई में स्क्रिप्ट सेल कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। हालांकि कुछ केसेस में चलिए ऐसा मान लेते कि हो भी सकता है, लेकिन अगर लार्ज स्केल में इस चीज को देखी जाए तो ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको स्ट्रगल करते 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 2 साल 3 साल 4 साल तो जरूर निकल जाते हैं। देखिए, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है इसकी कि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो बहुत कम समय में, जैसे 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन के अंदर में वो सेलेक्ट हो जाएगी। तो इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटीज है थोड़ी बहुत। लेकिन देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब मुंबई आने की सोचते हैं तो विदाउट सोचे समझे, कुछ भी बिना सोचे समझे आप यहाँ पर डायरेक्टली मत आ जाइए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को बहुत तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो आपको रहने में प्रॉब्लम होगी, यहाँ एक्सपेंसिव होटल्स में भी अगर आप रुकते हैं तो यहाँ पर एक्सपेंसिव होटल्स है, चलिए मान लीजिए कि वो भी आप अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जिंदगी बिताने का खर्च, यहाँ पर डे टू डे लाइफ का खर्च बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी आप आए तो पूरी तैयारी करके आए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ऐसे एक बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि आप कभी ये मत सोच के कि 7 दिनों के अंदर में या 10 दिनों के अंदर में या महीने भर के अंदर में आप अपने स्क्रिप्ट को सेल करके यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप 2 3 4 5 प्रोड्यूसर से मीटिंग करते हैं, अपने स्क्रिप्ट को सुनाते हैं, तो वहां पर बात बन जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। जब तक आप 100 150 प्रोड्यूसर से मीटिंग नहीं करेंगे, उनको अपनी स्क्रिप्ट नहीं सुनाएंगे, तब तक उसके चांसेस नहीं बनेंगे कि आपके स्क्रिप्ट सेलेक्ट हो जाए। तो याद रखिए कि स्ट्रगल जो है वो आपको करना है। इसीलिए कहा जाता है कि बॉलीवुड में स्ट्रगल करने में लोगों को सालों बीत जाते हैं। तो सालों बीतने का मतलब यही है कि आप 1 2 प्रोड्यूसर से मीटिंग करेंगे तो आपकी बात बन जाएगी, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन आप बहुत सारे प्रोड्यूसर से मीटिंग करेंगे, आप लगभग 50 60 100 इतने प्रोड्यूसर से आप मीटिंग करेंगे, तो इसमें चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि किसी ना किसी को आपकी स्क्रिप्ट जो है वो पसंद आएगी। देखिए, आपकी स्क्रिप्ट खराब नहीं रहती है, आपकी स्क्रिप्ट अच्छी रहती है, लेकिन बात यहाँ पर आ जाती है कि उनको पसंद आनी चाहिए। अगर उनको पसंद आएगी तो डेफिनेटली वो उस पर मूवी बनाते हैं। तो लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगता है। अगर आप ये सोच के आएंगे कि आप 7 दिनों के अंदर 10 दिनों के अंदर यहाँ से आकर के आप स्क्रिप्ट सेल करके वापस चले जाएंगे, तो ऐसा हो पाना इम्पॉसिबल है लगभग। क्योंकि देखिए, ये कोई सामान नहीं है, ये कोई सब्जी नहीं है जिसे आप तुरंत सेल करके निकल जाएंगे, ये स्क्रिप्ट है, इसे सेल होने में समय लगता है। तो इसीलिए आपको बॉलीवुड में अपने आप को स्थापित करना है, तो आपको पहली बात तो आपको स्थापित करना है, तो आपको यहाँ पर के तौर तरीके आपको सीखने होंगे, आपको अपना कार्ड वगैरह बनवाना होगा, फिर आपको अपनी स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाना होगा, तब आप प्रोड्यूसर से मीटिंग करेंगे, सुनाएंगे उन्हें, अलग अलग प्रोड्यूसर से मीटिंग करेंगे, चाहे आप ईमेल के जरिए उन्हें स्क्रिप्ट भेज रहे हैं या खुद मीटिंग करके भेज रहे हैं, तो इस तरीके से आप उनको अपनी स्क्रिप्ट पहुंचाएंगे, इस तरीके से आप अपनी स्क्रिप्ट को उन तक पहुंचाएंगे और फिर चांसेस बनेंगे कि आपकी स्क्रिप्ट सेलेक्ट हो जाए। तो ऐसी गलती आप कभी मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। उन्होंने क्या किया, वो आए और वो 7 डेज का टाइम लेकर के आए, और मैं जानता हूँ कि 7 डेज के अंदर उनका काम होना लगभग इम्पॉसिबल है,
क्योंकि पहले से उनकी कोई बातचीत किसी से भी नहीं हुई है। वो यहाँ आएंगे, फिर यहाँ पर वो प्रोड्यूसर्स के ऑफिस तक जाएंगे, वो भी अभी तो कोविड की सिचुएशन है, कोविड की सिचुएशन में ज्यादा जो प्रोड्यूसर्स है वो लोग राइटर्स से या फिर किसी से भी इनफैक्ट मिल नहीं रहे हैं, तो ऐसे में तो और ज्यादा प्रॉब्लम है। तो आप लोग भी अगर मुंबई आने की अभी के सिचुएशन में सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि कुछ दिन बाद आप ट्राई कीजिए। अभी आप घर बैठे ईमेल कीजिए, आप ईमेल से ट्राई कीजिए, लेकिन अगर आप आने की सोच रहे हैं तो कुछ दिन बाद आइए, क्योंकि अभी कोविड की सिचुएशन पूरी तरह टली नहीं है और ऐसे में क्या हो सकता है कि प्रोड्यूसर्स जो है वो आपसे मीटिंग करने से इनकार कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि प्रोड्यूसर्स आपसे मीटिंग करें अच्छे से, तो आप डेफिनेटली टाइम लेकर के आइए और अभी की सिचुएशन में मत आइए। तो मैंने उनसे फोन पर यही कहा कि आप अभी की सिचुएशन में आकर के बहुत बड़ा गलती कर चुके हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, और वो भी 7 days का टाइम लेकर के आपको नहीं आना चाहिए था, आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लेकर के आना चाहिए था। तो खैर चलिए, जो भी है उनको मैंने अच्छे से समझा दिया और फिर वो बात को समझ भी गए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस बात को ध्यान भी रखे होंगे। तो इस बात को आप भी बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिएगा और जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।